हाँ, माय सेल्फ सोनिया सिंह राजपूत, बॉलीवुड एक्ट्रेस। मैं आज जिम के शूट के लिए आई हुई हूँ एंड जिम का नाम है किंग्स फिटनेस। मेरे ट्रेनर हैं शिवाजी, प्लीज इन्होंने मुझे ट्रेन किया है। बिकॉज ऑफ दिस, इनके कारण मेरी बॉडी इतनी अच्छी बनी है और मैं आज भी इनके अनुसार चलती हूँ। ये जैसा कहते हैं वैसे मैं डाइट लेती हूँ। तो जस्ट डाइट एंड एट द सेम टाइम, व्हाट क्या सर, डाइट के साथ साथ क्या लेना होता है? डाइट के साथ साथ में वर्कआउट, वर्कआउट जो कि रोज बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें लेती हूँ बिकॉज ऑफ दैट। हाँ, हमारा बॉडी लाइक बहुत ही अच्छा ये शेप में आ गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दैट्स ऑल आई कैन से एंड अगेन आई एम गोइंग टू से इट्स द किंग फिटनेस जिनके लिए मैं ये शूट कर रही हूँ एंड दिस इज़ द जिम। मैं ये पूरा जिम तो नहीं दिखा सकती बट हाँ, दैट्स ऑल। बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है करके, हर रोज़ करते हैं हम। बट जैसा कि हम मॉडल एंड एक्टर हैं तो हमें रोज़ टाइम नहीं मिल पाता है, बट फिर भी अपने आप को हम एक घंटे ज़रूर देते हैं अपनी बॉडी के लिए। क्वेश्चन सर, उधर से क्वेश्चन करो, कुछ भी जो आपको लगे। और क्या कहना चाहिए? किंग्स फिटनेस के लिए तो मैं जितना कहूँ उतना कम है। बिकॉज मैं आज से नहीं, मैं पिछले 5-7 साल से मैं इस जिम में आया करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि रेगुलर, बट हाँ, अगर मैंने जिम सीखा है और आना शुरू किया है, अपने आप को मैंने मोटिवेट किया है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द किंग्स फिटनेस। सर, मैं इनको बुलाना चाहूँगी, यहाँ के जो ओनर हैं आशीष सर। नो, प्लीज़ आ जाइए। तो किंग्स फिटनेस के बारे में यही कहना चाहिए, ये इनके ओनर हैं। हेलो। और इनके ही कारण, आई कांट से कि इनके कारण, इनके जिम के बदौलत मैंने अपने आप को इतना मोटिवेट किया कि पिछले 5 साल से मैं कंटिन्यू अपने ऊपर, अपने जिम के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। और फाइनली इन्होंने मेरा बॉडी इतना अच्छा बना दिया है, यहाँ आकर मैं इतनी अच्छी हो गई हूँ कि इन्होंने मुझे शूट के लिए रिकमेंड किया। तो थैंक्स टू आशीष सर एंड थैंक्स टू माय ट्रेनर शिवाजी। एंड क्वेश्चन उधर से दीजिए, क्वेश्चन दीजिए, कुछ और क्वेश्चन दीजिए आप, वो एडिट कर लेना क्वेश्चन। आम पब्लिक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे फिटनेस? आम पब्लिक के लिए तो पर्सनली मैं यही कहूँगी कि हमारा शरीर एक टेंपल है, मंदिर है, तो इसे जितना अच्छा बनाकर रखो। और प्रोफेशनली तो मैं बातें नहीं कहूँगी, पर्सनल वे में भी हमारी बॉडी एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम फिट रहते हैं तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस रहता है। हम कहीं भी जाते हैं, हम कुछ भी वेयर करते हैं, हम किसी से बात करते हैं, तो एक अलग कॉन्फिडेंस में रहते हैं हम। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी डाइट बराबर लो, प्रॉपर लो, सॉरी बराबर वो कट कर देना, अपनी डाइट प्रॉपर लो। बिकॉज अब हम कुछ भी खा ले रहे हैं, कुछ भी पी ले रहे हैं, तो वो चीज़ें फिर वो कट नहीं करती हैं, यू नो। तो दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि फिटनेस, फिट रहो, अपने लिए कम से कम एक घंटा तो अपने आप निकाल ही सकते हो। एक घंटा तो नहीं, एटलीस्ट कम से कम 45 मिनट अपने लिए आप लोग निकालो और निकाल करके अपने लिए दीजिए, ताकि आप फिट रहिए और हेल्दी रहिए और लॉन्ग लाइफ। दैट्स ऑल। एंड वन मोर थिंग आई कैन से, या मेरे एक और ट्रेनर है जो कि मस्कट से आए हुए हैं, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी मेरे एक मेरे पर्सनल ट्रेनर एंड मेरे एज वेल एज मेरे को एक्टर मिस्टर शाहरुख जी। ये ही इज़ अ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर। और सर, मैं चाहूँगी कि आप कुछ कहें अपने बारे में। नाम तो शाहरुख अहमद है, एज अ नो पीपल नोन मी एज अ बॉडी बिल्डर डूइंग इट फॉर 14 ईयर्स। लाइक आई जस्ट टेक अ पार्ट इन वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड शेरू क्लासिक। आई जस्ट फिनिश, नाउ आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ अ जिम ऑफ दिस जिम, जिम का नाम Kings Fitness. I got a chance, I got an opportunity to come here and just perform something and teach some people. And now, normally, it's just going smoothly. So, and the owner, big thanks to the owner. Ashish Singh. So, it's a pleasure to be here at this platform. थैंक यू। सो आई वुड लव टू से थैंक्स टू शाहरुख ऑल्सो, इन्होंने मुझे बहुत ट्रेन किया पिछले कुछ दिनों से, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो इट्स गुड, यू नो, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी। जिम के बारे में आप कुछ? हाँ, कुछ जिम के बारे में आप? जिम लोगों को लाइक इट्स नाउ, अब बोलते हैं ना हेल्दी खाना चाहिए, हेल्दी रहना है तो लॉन्ग लाइफ के लिए। लोग जैसे बोलते हैं गूगल यूट्यूब इज वेस्ट, फॉलो वन पर्सन यू विल रीच द एम, that's the thing, one teacher and one student, that's all.
मैडम आपके आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? मेरे आने वाले तो 3-4 प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए मैं अभी डिस्क्लोज नेम नहीं करना चाहूँगी। एक तो मेरी फिल्म है जो पोस्ट प्रोडक्शन में चल रही है और 24th of January में इनका ये नाम मैं अनाउंस करूँगी। अभी टी सीरीज के लिए मैंने 2 प्रोजेक्ट साइन किया है जिसके लिए मैं आउटडोर निकल रही हूँ 26th of this November। तो ये भी कह सकते हैं कि मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा ही अभी अपने बॉडी को लेकर कॉन्शियस हूँ, बट एट द सेम टाइम या ऑफ कोर्स ज़रूरी भी है ये हमेशा के लिए। तो दैट्स ऑल आई कैन से।